बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों और चैनल में नए आने वालों को वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको हर किस्म की बीमारी से निजात पाने का बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका आज मैं आपको ये अमल बताने लगा हूँ। दोस्तों, बीमारी किसी भी किस्म की हो और कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, इंशाल्लाह ताला इस वजीफे पर अमल करने से इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह 3 दिनों में इंशाल्लाह ताला जो है ना बीमारी दूर हो जाती है और शिफायाबी हासिल हो जाती है। कोई भी किसी किस्म की भी बीमारी हो और आप दवाएं खा खा कर जो है तंग आ चुके हों, तो आप मेरे बताए हुए तरीके पर यह रूहानी कुरानी इलाज करें, इस पर अमल करें और सेहतियाबी हासिल करें और बीमारियों को दूर करें। दोस्तों, अमल बताने से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस किस्म की जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अमल आपने कुछ इस तरीके से करना है कि दुरूद शरीफ इब्राहिमी या इसके अलावा जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो या जो भी दुरूद शरीफ आता हो, तो वो दुरूद शरीफ आपने 7 बार पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको मैं जो इस्माए बारी ताला बताने लगा हूँ, या सलाम या करीम, या सलाम या करीम, या सलाम या करीम। दोस्तों, ये इस्माए बारी ताला को आपने 21 बार पढ़ लेना है और उसके बाद जो पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ चुके हैं वही फिर दोबारा से आपने 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और इसको अगर तो कोई मरीज़ है और आप उस पर ये अमल करना चाहते हैं, तो आपने पानी पर दम करके उस मरीज़ या मरीज़ा को पिला देना है। और अगर खुदा ना खास्ता आप ख़ुद भी किसी बीमारी में मुबतला हैं, अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। और अगर खुदा ना खास्ता आप ख़ुद किसी बीमारी से जो है ना तकलीफ़ में मुबतला हैं, तो फिर आपने ये पढ़ लेना है और अपने सीने पर फूंक मार देना है। तो इंशाल्लाह ताला ये अमल आपने सुबह और शाम दिन में 2 बार करना है। इंशाल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर ही, वरना तीसरे दिन जो भी बीमारी किसी किस्म की होगी वो दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको शिफायाबी अता फरमाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और ये सदका जारिया है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।